शाहरुख खान की डंकी मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई और जैसा उनका ट्रेंड रहा है इस साल दो पिक्चरें निकाली और दोनों ही एकदम ब्लॉकबस्टर। तो नेचुरली काफी सारे लोग उनकी ये नेक्स्ट मूवी के लिए अपने आप एक्साइटेड होंगे क्योंकि इसके अंदर शाहरुख खान है। मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि पिक्चर देखने के लिए मुंबई आ गया बिना आग लगाए। हाँ, सिर्फ यही रीजन है और कोई दूसरा काम नहीं। आज सुबह 5 बजे का उठा हूँ, 6:15 का शो था मूवी मैक्स में और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस दिया भाई, इतना डिसअपॉइंटमेंट। 6:42 आधा घंटा हो गया शो नहीं लगाया। 6:55 तक कोई अपडेट नहीं कि क्या चल रहा है। 45 मिनट्स का डिले होने के बाद 7 बजे जाके वो फाइनली लगाते हैं डंकी। अगर मुझे पहले से पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं यहाँ नहीं आता और 1 घंटे की नींद एक्स्ट्रा ले लेता, क्योंकि ट्रैवल करके काफी थक गया हूँ, ज्यादा नींद हुई नहीं थी तो मूवी में जाते वक्त थोड़ा थोड़ा स्लीपी फील हो रहा था। डंकी मूवी ने वो सब दूर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि तुम डिसीजन लो इस मूवी को जाके देखने का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यू हैव टू नो कि ये एक राजकुमार हिरानी की मूवी और तुमको उन्हीं की पिक्चर देखने मिलेगी, शाहरुख खान की नहीं। और अगर तुमको नहीं पता कि राजकुमार हिरानी कौन है तो उन्होंने कुछ छोटी मोटी पिक्चरें बनाई है जैसे कि मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके, संजू। वो बेसिकली 4-5 साल में एक बार आते हैं और हिला के चले जाते हैं इमोशनली। एक और कॉमन थ्रेड नोटिस करोगे उनकी पिक्चरों के अंदर अगर ध्यान से देखा है तो, सुपरस्टार नहीं बल्कि स्टोरी सेंटर स्टेज लेती है। मेन कैरेक्टर के अलावा भी बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जिनकी स्टोरी के ऊपर फोकस किया जाता है, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में तुमको पता होता है। इट्स नेवर जस्ट अबाउट हीरो और हीरोइन। डंकी मूवी देखने से पहले इतना ध्यान में रख लेना। अब ये पिक्चर किसके बारे में, तो पंजाब के एक गांव में 5 दोस्त रहते हैं। ये 5ों लंदन जाना चाहते हैं और इनका हर एक का अपना अपना अलग पर्सनल रीजन है। वही लंदन जाने का जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता उनके सामने होता है, एक इंग्लिश का टेस्ट देना जिसके लिए वो इंग्लिश सीखते हैं। फिर रिजल्ट आने पर मजबूरी के कारण डंकी मार के जाने के लिए रेडी होते हैं। इतने पार्ट के अंदर जो सबसे इम्पैक्टफुल चीज तुमको लगेगी वो है विकी कौशल का परफॉर्मेंस। उनसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अपना रोल अच्छे से निभाएंगे, बट हर बार कैसे। हिरानी की पिछली मूवी संजू के अंदर भी थे, छोटा रोल बड़ा इम्पैक्ट, सेम चीज इस मूवी के अंदर करी है। और उनकर दारू पीकर नशे में एक्ट करने वाले सीन्स मेरे सबसे फेवरेट है, मन मर्जी है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। डंकी मूवी के फर्स्ट हाफ की सबसे बड़ी हाईलाइट वो होंगे क्योंकि तब तक पिक्चर मोस्टली एक कॉमेडी फील गुड मूवी फील होती है, जिसमें अपने मेन कैरेक्टर अभी भी उनके गांव में ही है, इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। दो सीन्स आर एक्चुअली फनी और उसमें से कुछ ही अपने को ट्रेलर में दिखाए थे जिनका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होता है पिक्चर में। म्यूजिक बढ़िया है का, स्पेशली जो इमोशनल सॉन्ग्स बैकग्राउंड में वो बजाएंगे, सोनू निगम भाई दूसरी बार एक ही महीने में। शाहरुख खान की बात कर लेते हैं क्योंकि वो इस मूवी के सबसे बड़े पुल फैक्टर है, एंड आई एम फाइनली हैप्पी टू सी हिम इन अ हिरानी फिल्म, क्योंकि जिनको पता है उनको पता है कि 3 इडियट्स पूरी पिक्चर में उनका काम अच्छा है, बट वो मोस्टली शाइन करते हैं और तुम नोटिस करोगे लेटर हाफ में जब एक के बाद एक इमोशंस का मौका ऐसा रोल करके मारा जाएगा पेट पे। तुम अगर शाहरुख खान के फैन हो, पिछली 2 एक्शन मूवीज उनकी तुमने एंजॉय करी ना करी, बट उनको एक डिफरेंट रोल में देखना है, अभी के अभी जाओ टिकट बुक करो। लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ यू, बाकी बची हुई पिक्चर की बात करते हैं क्योंकि इसका सेकेंड हाफ मोस्टली फोकस करता है डंकी वाले एस्पेक्ट पे। डंकी मतलब क्या, इलीगली कंट्रीज के बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश जाना, जिसको डंकी रूट भी कहते हैं, बट बोलते बोलते वर्ड डंकी बन गया। और यही डंकी मार के इंडिया से इंग्लैंड जाने में कितनी कठिनाइयां होती हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं, क्या क्या सहना पड़ता है, उसका एक बहुत मेजर चंक अपने को वॉइस ओवर और मॉन्टाज में दिखा दिया है। वो पूरा प्रोसेस इतना लंबा, इतना टाइम लग जाता है कि एक पूरी डेडिकेटेड मूवी बन सकती है, जिसको ले देखे एक गाने में निकाल दिया, बट उसमें जो इमेजेस तुमको दिखाए जाएंगे दे विल स्टिक इन योर हेड। लगातार दूसरी बार हो गया, पता नहीं क्यों टट्टी इतना क्लियरली कैसे दिखाते हैं। अच्छा, वो कुछ खा नहीं रहा था उस टाइम पे। लेकिन मूवी का यही वो पार्ट है जिसके अंदर वो अपने मेजॉरिटी इमोशंस तुम्हारे सामने रखती है और उसके अंदर काफी सारी ऐसी बातें हैं जो कि छू जाएंगी, जैसे कि घर का कोई मेंबर अगर अच्छा कमाने लगता है या फिर फॉरेन चले जाता है तो फिर आस पड़ोस वाले उनके पेरेंट्स के बातों की इज्जत करने लगते हैं, ओपिनियंस को सुना जाता है। घर वाला पॉइंट भी काफी क्लियरली रखा है कि लोग एक अच्छी जिंदगी की तलाश में पता नहीं कहां कहां जाते हैं टू वर्क, वो भी अपनों को, अपने घर को छोड़ के। और अगर इसमें से कुछ तुमने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया ना तो इट विल हिट हार्ड, क्योंकि मिस्टर हिरानी इज अ मास्टर ऑफ इमोशंस और इस मूवी के साथ भी ही डिलीवर्स। कमियों की अगर बात करूं तो इस डंकी मूवी के अंदर इमोशंस, हैप्पी या फिर सैडनेस, वो एकदम बहुत 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 हाई वाले पॉइंट टच नहीं करती जो कि हिरानी की पिछली मूवीज में हमने देखा है, लेकिन उन्होंने खुद ही अपना बार इतना हाई सेट किया हुआ है कि हर बार वो अचीव करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर एकदम पीक अचीव करने की बात कर रहा हूं मैं, उसके बदले ये मूवी काफी अच्छे लेवल पे कंसिस्टेंटली चलती है। इंटरेस्ट में इतना करने में भी बहुत सारी
मूवीज फेल हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट डंकी को लेकर ऐसा है कि आई एम वेरी हैप्पी, मुझे पिक्चर देखने में मजा आया, सीन्स को देखकर खुश हुआ मैं, मेरी हंसी निकली और कई जगहों पे शांत बैठ के फील किया कैरेक्टर्स का दुख। और रिकमेंडेशन वाले सेक्शन में हु शुड वॉच इट, इसका आंसर देना हो, एक ही सिंपल बात है और मैं दोहराने वाला हूँ कि ये एक राजकुमार हिरानी की मूवी और तुम उसको देखने जा रहे हो, बाकी और कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना। मूवी के टीजर ट्रेलर गानों ने जितना प्रॉमिस किया था उतना डिलीवर किया, उससे थोड़ा ज्यादा ही डिलीवर किया, इसीलिए तुम ये मूवी देखने जा सकते हो। टीजर ट्रेलर पसंद आया तो अपनी पूरी फैमिली को लेके जाओ, इट इज एक्चुअली अ प्रॉपर फैमिली एंटरटेनर। दूसरी बात कि सब्सक्राइब।